90% लोग हियर करते हैं और 10% लोग लिसन करते हैं। क्या फर्क होगा हियरिंग में और लिसनिंग? कोई बंदा 4 घंटे स्कूल में बैठ रहा है, कितना इल्म को एब्जॉर्ब करना चाहिए उसको। 1-2 घंटे मूवी देखते हैं तो पूरी समझ में आती है कि नहीं मूवी? 4 साल पहले आपने कोई मूवी देखा, आज तक याद है आपको? क्यों? यू लिसन, यू डिड नॉट हियर। आपने पूरे आंखों से उसको देखा, सुना, आज तक याद है। हर एक लेक्चर को वही इंटरेस्ट से अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, आप कल के डॉक्टर बनेंगे, टॉप के साइंटिस्ट बनेंगे, टॉप के। सब लोग रोजाना स्कूल आते हैं? 6 घंटे देते हैं आप लोग? ऐसे कितने दिनों से दे रहे हो आप लोग? यू बीन गिविंग 6 आवर्स फॉर अबाउट 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, एंड एवरी डे यू टर्न अप, एवरी डे यू कम एंड यू हियर द लेक्चर्स। That is the biggest mistake you are making. There is a difference between hearing and listening. 90% of the students across the world, they hear lectures. They don't listen. Only 10% of the students, those who are going to schools and colleges, they listen to the teachers. Otherwise, the rest of the 90% of the students, they hear. फर्क कोई बताए मुझे, हियर में और लिसन में क्या फर्क है? 90% लोग हियर करते हैं और 10% लोग लिसन करते हैं। क्या फर्क होगा हियरिंग में और लिसनिंग में? आप हियरिंग उसे कहते हैं जो बच्चे उस्ताद की तरफ मुंह करे रहते हैं लेकिन सुनते नहीं। अच्छा, ऐसा... उस्ताद की तरफ मुंह करे होते हैं लेकिन सुनते नहीं, दैट इज हियरिंग। हां, नेक्स्ट। और लिसनिंग उसे कहते हैं जो सुन उस्ताद की बातों को सुनते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब उस्ताद की बात को जो सुनते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, सुनिए। आप सोए हुए रहते हैं, बाहर से कुत्तों की आवाज आती है। यू डोंट लिसन टू द बार्किंग्स ऑफ द डॉग्स, यू हियर देम। आप सोए हुए हैं, कुत्तों की आवाज आती है कि नहीं कभी? डू यू लिसन, डू यू गिव योर ईयर, अपना कान देते हो या आवाज आती है? ये बाहर से आवाज आ रही है। लिसन जो होता है वो दिल और दिमाग से सुनना होता है, कान से नहीं। कान से जो सुन रहे हैं आप वो हियर, आवाज आ रही है आपको, आप सोए हुए हैं। लिसन कहां से है? आपके दिल से और आपके दिमाग से, यानी मेंटली प्रिपेयर होना है सुनने के लिए। दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। ऐसे ये जेस्चर में देख रहे हो आप, ऐसे बैठ के मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, मुझे ये सुनना है अभी। तो 90% बच्चे रोजाना स्कूल में आकर ये समझते हैं कि मैं तो सुन रहा हूं टीचर को, बट यू आर नॉट लिसनिंग थ्रू योर हार्ट। दिल से नहीं सुन रहे हो आप, नॉट बाय योर हार्ट एंड माइंड। अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपना दिल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाली बैठे हैं यहां पर। यू आर वेस्टिंग टाइम एंड लाइफ। इसके बजाय जो बच्चे होटल में बर्तन धोते हैं, आप ही की उम्र के कई सारे बच्चे बर्तन धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं? वो लोग कम से कम 50 रुपए घर ले जा रहे हैं, टेक होम है उनके पास में। क्या है? टेक होम। दे आर टेकिंग होम व्हाट? एटलीस्ट 50 रुपीज, 100 रुपीज। बट व्हाट आर यू टेकिंग होम? क्या ले जा रहे हो आप? कुछ भी नहीं। पुतले की तरह आ रहे हो, पुतले की तरह चले जा रहे हो। ऐसा जीना, जीना नहीं बोलते हैं उसको, ये जिंदा रह के मरने के बराबर है। कोई बंदा 4 घंटे स्कूल में बैठ रहा है, कितना इल्म को एब्जॉर्ब करना चाहिए उसको। 1-2 घंटे मूवी देखते हैं तो पूरी समझ में आती है कि नहीं मूवी? 4 साल पहले आपने कोई मूवी देखा, आज तक याद है आपको? क्यों? यू लिसन, यू डिड नॉट हियर। आपने पूरे आंखों से उसको देखा, सुना, आज तक याद है। हर एक लेक्चर को वही इंटरेस्ट से अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, आप कल के डॉक्टर बनेंगे, टॉप के साइंटिस्ट बनेंगे, टॉप के। इसी छोटे से गांव के वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियर्स, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, एक महमूदपुरा, एक फदगुदिया से। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। ये लोग जब पढ़ रहे थे, ऐसा स्टेज नहीं था, ये पोडियम नहीं था, ये लैपटॉप नहीं था, माइक नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं था, फैंस नहीं थे,
ये सिस्टम नहीं था, लेकिन आज ये लोग सिस्टम बनाने वाले बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई साइंटिस्ट बन गए, लीडिंग साइंटिस्ट एंड लीडिंग इंजीनियर। ये कहां से कहां पैदा हुए? अमेरिका में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, न्यूजीलैंड जापान में नहीं, दिल्ली में, हैदराबाद, मुंबई में नहीं, ये छोटे से गांव में आज से 50 60 70 साल पहले पैदा हुए थे। कुछ नहीं था, बने हैं। आप लोग के पास रहकर नहीं बन रहे हैं, तो फिर ये बताओ, ये जीना कैसे जीना बोलते हैं इसको? मरने के बराबर है बच्चों। आज ठान लीजिए, आप लोग जिंदगी में फैसला ले लीजिए कि मुझे ये जीना पसंद नहीं है, मैं जीऊंगा तो कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, कुछ हासिल करूंगा, कुछ मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, कुछ मेरे गांव को दूंगा। मरे तो सदियों तक लोग याद रखें, ये देने वाले बने हम लोग। आज फैसला ले लें आप लोग। दो रोल मॉडल्स आपके पास में हैं, ये लोग कर सकते हैं, इसी गांव से कर दिखाए हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये अपने गलतियों से सीखना है आपको। अगर सीख नहीं रहे हो तो फिर बड़ा मसला है आगे चल करके।